हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम स्टार्ट करते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 17.5 mmHg और लोवरिंग इन वेपर प्रेशर है 0.061 mmHg। तो RLVP मतलब रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, XV ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन और PA ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इनकी कैलकुलेशन करनी है। तो देखो आपको गिवन है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना है 17.5 mmHg, ठीक है। और डेल्टा पी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन है 0.061 mmHg, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो हम जानते हैं कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को किससे डिवाइड किया जाए, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो हम ये वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पर और ये वैल्यू ये पुटअप की, इसको सॉल्व किया तो आया 0.0035, यही है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर और एक्स भी बराबर होते हैं तो हम इसको एक्स भी लिख सकते हैं, ये है ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ब्ले का मोल प्रभाज। तो ये दोनों कैलकुलेट हो गए हमारे। अब हमें पी ए कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि ये एक रिलेशन होता है पी नॉट ए, पी ए इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो इसका मतलब है कि हमें ये कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें से डेल्टा पी को माइनस कर दें, 17.5 में से 0.061 आपने माइनस कर दिया, तो ये आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बिलियन का वाष्प दाब। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा है कि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.76 mm है, किसी टेम्परेचर पर दे रखा है और सॉल्यूशन का है 22.98 mmHg, तो मोलैरिटी क्या होगी। तो देखो आपको दे रखा है कि P not A मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 23.76, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 22.98 mmHg, डेल्टा पी हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए, तो ये हो गया 0.78 इनका डिफरेंस। तो आपको डेल्टा पी जो है ये क्या कैलकुलेट कर लिया आपने डेल्टा पी, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू होता है एम अपॉन एम प्लस 55.6, ये किसके लिए होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन के लिए मैंने एक संबंध बताया था। तो बस आपको ये दे रखा था, तो आपने डेल्टा पी की वैल्यू ले ली, पी नॉट ए की वैल्यू ले ली 23.76 और इसमें मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये आ गई 1.89। तो इस तरह से मैंने आपको टू क्वेश्चन तक सॉल्यूशन बता दिया जो बहुत ही इजी है, तो आप इन्हें नोट कर लें, ओके। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि 293 केल्विन ठीक है टेम्परेचर पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है 17.54 mmHg, 108.24 ग्राम सॉल्यूट को 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया और सॉल्यूशन का उस समय वेपर प्रेशर आया 17.35 mmHg, तो mv क्या होगा। तो देखो यहां आ जाए आपको p नॉट a या p नॉट a जो है 17.54 मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो कितना है 17.54। WB अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्ले की मात्रा, तो आप देख रहे हैं 108.24 आपको दे रखी है। WA ये तो हो गया WB मतलब हो गया सॉल्यूट की अमाउंट, WA सॉल्वेंट की अमाउंट ठीक है वो कितनी है 1000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 17.35 है, तो MV कैलकुलेट करना है। हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट है लगभग 10% से ज्यादा का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप की, ये हो गई ये वाली वैल्यू हो गई और यहाँ पर 17.35 ले लिया, WB 108.24, MV हमें कैलकुलेट करना है वाटर का,
ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है Ma, यहाँ पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास लेना है 18 और Wa, तो इस तरह से Ma सॉल्व करोगे तो ये आ गया 178.1 ग्राम पर मोल, समझ गए ना। तो इस तरह से ये मोलर मास कैलकुलेट किया, तो आप इसे नोट कर। अब देखो इसी तरह एक क्वेश्चन है कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ब्ले का मोल प्रभाज है 0.2, तब उस समय लो ब्रीमिंग वेपर प्रेशर है 10 mmHg। फिर वो कह रहा है कि अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा जब लो ब्रीमिंग वेपर प्रेशर कितना हो जाए 20 mmHg, तो सीधा सा है कि डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इज इक्वल टू XV1 अपॉन XV2। ये रिलेशन ले सकते हैं, किससे दिया है मैंने, डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है XV, तो दो रेशियो लोगे ना तो ये हट जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो आपको ये दे रखा है डेल्टा P1 कितना 10, डेल्टा P2 कितना होगा 20, ये मोल फ्रैक्शन है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन सेकंड पोजीशन में क्या आ जाएगा XV = 0.4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 1 मोल सॉल्यूट और 2 मोल सॉल्वेंट मिला दिया जाए तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का रेशियो क्या होगा, मतलब है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखो P0A - PA / P0A इज इक्वल टू हो जाएगा NB / NA + NB। हम इसको और बढ़ा दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ये मोल्स हो गए सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल प्लस सॉल्यूट के मोल। तो इस तरह से आपने इस फॉर्मूले में और आगे सॉल्व करते गए तो ये आ गया PA / P0A, मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपॉन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 2y3, तो इनका रेशियो आ गया 2:3, अर्थात सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अगर 2 mm है तो सॉल्यूशन का 3 mm होगा, सॉरी यदि सॉल्यूशन का है 2 mm तो सॉल्वेंट का होगा 3 mm। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि 1.8 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केवी क्या होगा। तो देखो आपको दे रखा है डब्ल्यूवी सॉल्यूट की अमाउंट 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 180, ये किसके लिए हो गया ग्लूकोज। WA सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी है 100 ग्राम, डेल्टा टीवी आपको डायरेक्ट दे रखा है 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, केवी आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करें आप मोलैरिटी कैलकुलेट करें, WB / MV * 1000 / WA, ये है 1.8, ये हो गया 180, ठीक है, यहां से ले लें 1000 / W, ये हो गया 100 ग्राम, तो ये आ गया 0.1। फिर आप रिलेशन लगाएंगे डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी * एम, आपको केवी कैलकुलेट करना था, ठीक है 0.1 ये दे रखा है, एम है 0.1, तो केवी आ गया 1 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहां तक बात समझ गए होगे आप, तो इसको नोट कर। दूसरा क्वेश्चन है कि यूरिया सॉल्यूशन 20% बाय मास, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का। तो देखो टोटल मास हम कितना मान लें सॉल्यूशन का 100 ग्राम, 20% यूरिया मतलब कितना होगा 20 ग्राम, तो बचा 80% वाटर, तो वो कितना हो गया 80 ग्राम, मतलब WB और WA हो गए। MV यूरिया है तो 60 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास, के भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो डेल्टा टीवी कैलकुलेट करेंगे तो 2.16 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, तो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में हम डेल्टा टीवी को ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया 102.16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप इसे नोट कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि CaH2NOL के 288 ग्राम को 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया, यदि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 10126 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो हम यहां देखें WB हमें दे रखा है 288, WA 90 ग्राम, KV आपको जो है KV है 0.52, डेल्टा TV कितना हुआ, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 101.26, ठीक है, उसमें से किसका माइनस करते हैं सॉल्वेंट का, तो ये आ गया 1.26। फिर हम MV कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, तो MV कैलकुलेट किया तो वो आया 132.5
तो हमें CnH2nOn मतलब कार्बन 12 इनटू n करने, हाइड्रोजन का 1 इनटू 2n करने, ऑक्सीजन के 16 एटॉमिक जो वैल्यू है और इनटू n, मतलब कुल मिला के n की वैल्यू आई 30n, 30n इज इक्वल टू 1320, मतलब टोटल मास की वैल्यू है ना इतनी, जिसमें n नहीं पता था लेकिन हम इसका फॉर्मूले के बेस पर n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली जो कितनी आ गई 44, इसका मतलब है कि C कितना हो गया 44, तो H कितने हो गए 88, तो O कितने हो गए 44, तो ये इसका क्या बन गया फॉर्मूला, समझ गया हो गया आप यहां तक। फिर अगला क्वेश्चन है कि RLBP 0.018 है और KB की वैल्यू 0.54 एक्वा सॉल्यूशन है, तो पूछ रहा है कि वाटर उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखो एक रिलेशन होता है डेल्टा TB और RLBP का, ये रिलेशन है, KB दे रखा है, RLBP आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, वाटर है तो ये 18, तो इसको सॉल्व किया तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.54, तो हम सॉल्यूशन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर निकालें तो 100 में 0.54 को ऐड कर दें तो ये बन गया वाटर का क्या निकला या बॉइलिंग पॉइंट, तो आप इसे नोट कर लें। भगवान अब देखो अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड क्लाइमेट में का टेम्परेचर है -6°C, वो कह रहा है कि 4 किलोग्राम अगर वाटर को जमने से रोकना है, मतलब उसकी एंटीफ्रीजिंग करानी है, मतलब उसको जमने नहीं रहना है, तो उसके लिए कितना इथाइलीन ग्लाइकोल जरूरी होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लाइकोल है 62 और KF है 1.85। तो देखो यहां देखें हम WA 4 किलोग्राम मतलब 4×10³ ग्राम, WB हमें कैलकुलेट करना है इथाइलीन ग्लाइकोल की वो अमाउंट जो कितने किलोग्राम वाटर को जमने से रोकता है, MB होता है इथाइलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास 62, KF दे रखा है, डेल्टा T है तो देखो 0°C वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और वहां का जो क्लाइमेट है उसमें जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -6, तो डेल्टा TF कितना आ जाएगा 6, मतलब कुल मिला के 6°C का डिफरेंस है टेम्परेचर में। अब हम ये फॉर्मूला लगा के और WB कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 804.32 ग्राम, मतलब इतना ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल को 4 किलोग्राम वाटर में मिला दें तो वो वाटर जो है अपनी लिक्विड स्टेट में बना रहेगा किस टेम्परेचर पर -6°C पर, तो आप समझ गए होंगे यहाँ जो WA निकलता है, समझ गए ना, ये वो अमाउंट होती है वाटर की जो लिक्विड स्टेट में बनी रह सकती है इतने ग्राम सॉल्यूट या इथाइलीन ग्लाइकोल को मिलाने से। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि 200 ग्राम वाटर में 50 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल मिलाया गया तो -9.3°C टेम्परेचर पर कितना आइस प्राप्त होगा। तो देखो पहले आपको डेल्टा TF दे रखता है वही है कि टेम्परेचर कितना डाउन जा रहा है 9.3°C, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा 9.3°C माइनस में, तो इसका मतलब है कि हम वाटर में बना रहे हैं तो वाटर का होता है 0°C और ये है इतना, ठीक है, -9.3, तो ये कितना आ गया 9.3, तो डेल्टा TF की वैल्यू हो गई 9.3। WA हमें कैलकुलेट करना है, ये वो अमाउंट है वाटर की WA जो लिक्विड स्टेट में रह सकती है किस टेम्परेचर पर 9.3, कितना 50 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल मिलाने से, तो WB ये हो गया MB 62 KF, तो हमें क्या निकालना है WA अर्थात वो अमाउंट वाटर की जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है 50 ग्राम इथाइलीन ग्लाइकोल को मिलाने से, तो WA निकलाया ये वो वाटर आ गया जो उस सॉल्यूशन में या उस 200 ग्राम वाटर में लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा, तो आइस कितना होगा, तो 200 ग्राम टोटल वाटर था इतना उसमें लिक्विड फॉर्म में बना रहेगा तो इतना 38.7 ग्राम क्या हो जाएगा वाटर लिक्विफाइड मतलब सॉलिड स्टेट में अर्थात आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहां तक सॉल्व होगा, आप इसे नोट कर। अब देखो आपको दे रखा है सुक्रोज के 34.2 ग्राम को 1000 ग्राम वाटर में घोला गया तो TF क्या होगा, KF दे रखा है, तो हम यहां लेंगे WB 34.2 मतलब है सॉल्यूट की अमाउंट, सॉल्वेंट की अमाउंट है 1000 ग्राम, KF 1.86, ठीक है, सॉल्वेंट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ये 0°C, TF हमें कैलकुलेट करना है, इस रिलेशन से आपने TF कैलकुलेट किया तो TF 0 माइनस TF करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.86, मतलब ना ये बिल्कुल सिंपल सा था। फिर
फिर आया है यहाँ पर कि साइक्लोहेक्सेन का फिजिंग पॉइंट है 279.65 केल्विन, तो टी नॉट एफ मतलब ये हो गया सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट जो दे रखा है, सॉल्यूशन का भी दे रखा है 277.3, तो डेट का टीएफ निकाल लिया आपने। एम भी हमें कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू भी मतलब जो सॉल्यूट डिसॉल्व है वो 14.75, डब्ल्यू ए 500 ग्राम में, केएफ 20.2 है साइक्लोहेक्सेन का केएफ, इससे एम भी निकाला 256.85। तो इस तरह से मैंने आपको जो है थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, इन्हें आप और भी देखें, इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, तो मैं एक पैटर्न बताया कि इस तरह के क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लेंगे चौथी या फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वो होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।